है कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग का। कंज्यूमर एडवर्टाइजमेंट है क्या? ये एडवर्टाइजमेंट ऐसे कंज्यूमर्स के लिए की जाती है जो या तो प्रोडक्ट को खुद यूज करने के लिए खरीदते हैं, या वो प्रोडक्ट इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उनकी फैमिली या फैमिली के मेंबर्स उस प्रोडक्ट को यूज करने वाले हैं। यस, कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग का मतलब यही है कि एडवर्टाइजमेंट करनी है हमने उन लोगों के लिए, या तो वो प्रोडक्ट खुद यूज करने के लिए उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं, या अपनी फैमिली के लिए वो प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग के अंदर जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वो प्रोडक्ट के बारे में दी जाती है। प्रोडक्ट के अंदर क्या खास बात है, क्या क्वालिटीज है, क्या काम आएगा, कैसे काम आएगा, ये सारी इंफॉर्मेशन इस कंज्यूमर एडवर्टाइजमेंट के अंदर दी जाती है। सबसे खास बात, ये एडवर्टाइजमेंट हम क्यों करते हैं? ताकि सामने वाले लोग इस एडवर्टाइजमेंट को देखकर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मोटिवेट हो। मतलब हमारा टारगेट पहला होता है प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना, दूसरा टारगेट हमारा होता है उनको खरीदने के लिए मोटिवेट करना ताकि हमारे प्रोडक्ट को वो परचेज भी करें। आगे की बात देखिए, कंज्यूमर गुड्स कौन कौन सी होती हैं जिनके लिए एडवर्टाइजमेंट की जाती है, जिसको हम कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग भी कहते हैं। कंज्यूमर गुड्स के अंदर फॉर एग्जाम्पल टूथपेस्ट, टूथब्रश, शैम्पू, स्कूटर, टीवी, सोप, नहाने का साबुन, इस प्रकार की चीजों का एडवर्टाइजमेंट किया जाता है जिसमें उन प्रोडक्ट के बारे में छोटी छोटी बातों की इंफॉर्मेशन भी दी जाती है। प्रोडक्ट कितने का है, कैसे यूज कर सकते हो, उसकी क्वालिटीज कैसी हैं। स्पेशल हमारा टारगेट जो रहता है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, हम लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट को खरीद लें। आगे देखिए, हम जो कम्युनिकेशन करते हैं, हम जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो ग्रुप को मोटिवेट करने के लिए की जाती है। बहुत बड़े ग्रुप के अंदर हम लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बहुत बड़े ग्रुप को दिखाने के लिए हम एक साथ एडवर्टाइजमेंट करते हैं। इस बात का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट देने का मतलब है कि एक बार में हमने एक बार इंफॉर्मेशन दी, एक ही बार हमने इंफॉर्मेशन प्रिंट करवाई, वो इंफॉर्मेशन लाखों लोगों तक एक साथ पहुंच जाती है। इसी तरह से टीवी, रेडियो, मैगजीन्स के अंदर हम जब भी एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, ये बहुत सारे लोगों तक एक साथ इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है और हमारा प्रोडक्ट पॉपुलर भी हो जाता है। कंज्यूमर एडवर्टाइजमेंट को कराने के लिए आपने टीवी पर देखा होगा काफी सारे रोल मॉडल्स को, एक्टर्स को या क्रिकेटर्स को ये लोग इंक्लूड करके चलते हैं, उनके थ्रू ये लोग क्या कराते हैं, एडवर्टाइजमेंट कराते हैं। तो डेफिनेटली ये जो एडवर्टाइजमेंट की जाती है ये बहुत ही अट्रैक्टिव और फेमस मॉडल से कराई जाती है ताकि उनको देखकर आम कंज्यूमर, आम जो कस्टमर है, छोटे से छोटा कस्टमर भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मोटिवेट होता रहता है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूं, कंज्यूमर एडवर्टाइजमेंट का मतलब है एडवर्टाइजमेंट हमने करनी है उन लोगों के लिए, या तो वो प्रोडक्ट को खुद यूज करने वाले हैं, या अपनी फैमिली के यूज करने के लिए वो प्रोडक्ट को खरीदते हैं। बहुत सारे बड़े ग्रुप के लिए हम एक ही बारी के अंदर एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं, बहुत बड़े ग्रुप को मोटिवेट करने के लिए, बहुत बड़े ग्रुप को इंफॉर्मेशन देने के लिए हम एडवर्टाइजमेंट एक ही बार में कर देते हैं, या तो मैगजीन्स के थ्रू, टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू। हेल्प लेते हैं हम किसकी, मॉडल्स की। मॉडल्स को डेफिनेटली इस काम के लिए पेमेंट भी दी जाती है, पर मॉडल्स को देखकर क्या होता है, आम कस्टमर के मन में बैठ जाता है कि अरे वो मॉडल अगर इस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। तो इससे उनके अंदर क्या होता है, मोटिवेशन जागती है, वो प्रोडक्ट को क्या करते हैं, खरीद लेते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक जिसका नेम था कंज्यूमर एडवर्टाइजमेंट क्या होता है।